आइडिया बेसिकली यही है कि जिस तरह एक साल पहले जो है लाहौर जो है वो पोल्यूटेड सिटीज़ में नंबर वन पे आ गया था, लॉट ऑफ पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ रही थी, उससे डिजीज़ जो है आपकी वो बढ़ रही थी, तो इसको कंट्रोल जो ऑटोमोटिव सेक्टर है आपका वो सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन कॉज करता है। तो हमने ये सोचा कि ऑटोमोटिव सेक्टर में अराउंड अबाउट आपकी 5% सिर्फ कार्स है, उसके बाद 95% आपकी बाइक्स है, तो सबसे पहले बाइक्स को डील करना था। तो बाइक्स को डील करने के लिए हमें जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक की तरफ मूव करना था, तो यही आइडिया लेते हुए कि हम जो फ्यूल बाइक्स है जो उनका एयर पोल्यूशन हो रहा है, जो वो एमिशन्स कर रही हैं कार्बन की वगैरह, तो इसको हमने रिड्यूस करना था। और वो कैसे करना था, वो इलेक्ट्रिक बाइक से, तो इलेक्ट्रिक बाइक्स हमने मार्केट में लॉन्च करनी थी। तो उससे ये होना था कि जब से ऐसे लाहौर या पूरा कंट्री इलेक्ट्रिक की तरफ मूव करेगा कन्वेंशनल व्हीकल्स को छोड़कर, तो इससे ये होगा कि आपका एयर पोल्यूशन एक बहुत हद तक कम हो जाएगा। सबसे पहले तो हम पिछले एक साल से इस पर स्टडी कर रहे थे, तो उसके बाद हमने इसको प्रोटोटाइप में लेके आना, प्रैक्टिकल वर्क करना था, तो हमने 3 माह में कम्प्लीट किया। लेकिन उसके सबसे बड़ा इशू था कोविड था, तो लॉकडाउन में मार्केट जाना, अवेलेबल पार्ट्स को सिलेक्ट करना, और इसके अलावा मेन इशू था फंडिंग का। हमारे पास फंडिंग वगैरह नहीं थी, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था फिनंशियली, तो हमने कोलैबोरेट, तीनों ग्रुप मेंबर्स ने कोलैबोरेट किया, पैसे वगैरह इकट्ठे किए, तो फिर हमने 3 माह में इसको कंप्लीट कर लिया। अच्छा, ऐसे है कि हमारे पास जो है ना ये 100 सीसी जो है सुजुकी मोटरसाइकिल, ये 1998 की थी, ये हमारे पास पड़ी थी, तो हमने ये सोचा कि उन्हें इसको पहले कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि लेट सी बात है कि जो पुरानी मोटरसाइकिल लोग ज़्यादा उसको कन्वर्ट करवाएंगे, नई को ज़रा रेशो कम होती है, तो हमने ये डिसाइड किया कि इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। तो उस पर हमने पहले उसका इंजन रिमूव किया, बाकी सारे उसके बॉडी पार्ट्स रिमूव किए, उसको एक स्पोर्टी लुक देनी थी, तो उसका हमने सिर्फ चेसिस यूज़ किया, ताकि जो है आम जब हमने इसको कन्वर्ट करना है जो भी हमारी रोड्स के ऊपर लाहौर के अंदर बाइक चल रही हैं, तो ऐसी बात है हमें चेसिस वही यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, डिज़ाइन हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो यही आइडिया था। तो हमने डिज़ाइन उसका चेंज किया, इसलिए हमने डिज़ाइन किया जो बैटरी बॉक्स था वो हमने डिज़ाइन किया, जो फ्यूल टैंक है वो हमने अप्रोप्रिएट लिया मार्केट से जाके, जो कि हमारा डिज़ाइन पे एक बेहतर पोजीशन दे सकता है, स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से भी जो एक स्पोर्टी लुक भी दे रहा है और साथ हमारी रेंज को भी बढ़ा रहा है। इसी तरह जो हमारे टायर्स से वगैरह सब कुछ शॉक एब्जॉर्बर, इन पे काफ़ी स्टडी हुई, जो एनालिसिस इनका जो है हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं मैकेनिकल सॉलिड वर्क फ्यूजन 360, इन पे हमने फिर सारा एनालिसिस किया, तो उससे जो बेस्ट अवेलेबल मार्केट में प्रोडक्ट्स है तो वो हमने यूज़ किए हैं, जिससे हमारा रेंज ज़्यादा आ सकती है, जिससे हमारी बैटरी लाइफ ज़्यादा हो सकती है, जिससे हमारा जो है स्पीड ज़्यादा आ सकती है पाकिस्तान की रोड्स पर। तो ये सारा कैलकुलेशंस हमने किए हैं, तो उससे फिर ये है कि हमने इसमें लिथियम आयन बैटरीज यूज़ की हैं, और जो मोटर है वो हब मोटर है, पीछे रेयर व्हील के अंदर वो हब मोटर लगी हुई है, और इसी तरह काफ़ी हमने फीचर्स दिए हैं, जिस तरह इसमें क्रूज कंट्रोल है, ऑटो लॉकिंग सिस्टम है, अल्फा बैलेंसिंग सिस्टम है, और इसमें जो है आपका रिवर्स का ऑप्शन है, इसमें आपका जो है और भी बड़े ऑप्शन हैं जो कि हमने दिए हैं, टेम्परेचर सेंसर है आपका, वोल्टेज शो हो रही है जो आपकी बैटरी को बता रहा है, तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक भी, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसे ही आप मतलब इलेक्ट्रिक बाइक में ये चीज़ है कि अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो उस पर लोड मोटर पे ज़्यादा आता है, तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक यूज़ की है, जिससे जो है करंट कट ऑफ हो जाता है, और ये बाकी स्पेसिफिकेशन है। और जो मार्केट में अवेलेबल बाइक्स हैं उनके साथ कंपेयर करें तो उनका जो चार्जिंग टाइम है वो 5 घंटों से 8 घंटे तक है, हमने चार्जिंग टाइम को रिड्यूस किया है, हम 1 से 3 घंटे तक अपनी बाइक को चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा हमने स्पीड ज़्यादा की है, पावर ज़्यादा की है, और जो माइलेज है वो भी हमने ज़्यादा की है, 80 to 90 किलोमीटर हम इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो वैसे हम ये सोच ही रहे हैं, जब हमारा ये राउंड अबाउट कोई 5th या 6th सेमेस्टर में हमारा ना ये ख्याल आया था कि हम ऐसा कुछ करें, तो पहले तो यही था कि लोग क्यों करेंगे, लोग जब एक फ्यूल बाइक चला रहे हैं, मतलब होंडा की आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लें, लास्ट ईयर उन्होंने 13.5 लाख बाइक सेल की है, तो आप होंडा जैसे कंपेटिटर को या फिर और जितने भी बाइक से कंपेटिटर्स हैं उनको कैसे कम्पीट करेंगे मार्केट में, लोगों को कैसे अवेयरनेस देंगे, ये बड़ा एक पॉइंट था। तो खैर हमने ये सोचा कि अगर तो हमारा प्रोटोटाइप जो है वो एक बेहतरीन प्रोटोटाइप बन जाता है डिज़ाइन के लिहाज से भी, स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से भी, जो कि आपकी जो फ्यूल बाइक है वो आपको दे रही है उसके कंपेरेटिव में, और आपका कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, राउंड अबाउट एनुअली आपका 50,000 का सेविंग्स हो रही है, तो ये सारा मद्देनज़र रखते हुए तो हमने ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स कैलकुलेट किए हैं, जो कि हम जब मार्केट में जाएंगे तो इसको लॉन्च करेंगे, और इस फैक्ट्स एंड फिगर्स से लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं कि आपका जो है बिल्कुल ऑयल चेंज नहीं है, आपका इंजन मेंटेनेंस नहीं है, और मोटर की लाइफ बहुत ज़्यादा है, बैटरी की लाइफ बहुत 1000 लाइफ साइकिल्स है, तो मतलब 4 से 5 साल जो है आपकी बैटरी कहीं नहीं गई, तो ये काफ़ी ज़्यादा है, और कोई मेंटेनेंस कॉस्ट है ही नहीं, 2-3 कंपोनेंट्स हैं मेन और वही आपने यूज़ करना है, उस पर कोई इतनी खास मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। मेरी टीम में 3 मेंबर थे, माई सेल्फ कैसर नवाज, मोहम्मद अमादुद्दीन, मोहम्मद बिलाल, हमें सुपरवाइज कर रहे थे डॉक्टर मोहम्मद उस्मान,
तो इस काम के लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा डीन मैकेनिकल डॉक्टर नदीम मुफ्ती साहब का, चेयरमैन मैकेनिकल डिपार्टमेंट नासिर हयात साहब का। तो इसके बाद वीसी साहब ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, हमें इनक्रेज किया ताकि हम इसको आगे मज़ीद आगे लेके चलें। जो भी प्रोडक्ट हो उसमें इम्प्रूवमेंट की जो है ना स्पेस तो हमेशा रहती है। तो हमारे जो भी है यंग जनरेशन है, जो कि हमारे जो यंगर बैचेज हैं, ठीक है, हम उनको यही मशवरा देंगे कि आप इस पर काम करें, इसको और आगे लेके जाएं। मतलब अगर हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो वो हमसे ज़रूर लें। तो क्योंकि हमने इस पर काफ़ी टाइम लगाया तो हमें काफ़ी चीज़ों का पता है जो कि जो बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता होता। तो हम थोड़े इस पर एडवांस लेवल पे, तो आप हमसे काइंडली पूछें, हमसे चीज़ें पूछें, हो सकता है कि आप बेटर आइडिया लेके आ जाएं तो उसको हम कन्फ्रंट करेंगे, उसको हम मतलब आगे लेकर चलेंगे। तो यही है कि यंग जनरेशन से कि वो इस पर ज़रूर काम करें, मतलब अपने लिए नहीं, मतलब कंट्री का सोचते हुए, सिटीज़ का सोचते हुए, तो इसको ज़रूर आगे लेके चलें।